उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद केस का तो आपको पता ही होगा, जहां योगी ने पुलिस में अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हुए एक गांव में घर में एक साथ नमाज पढ़ने को लेकर 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी, और जिसे लेकर ओवैसी साहब आग बबूला हो गए थे। जी हां, अब उसी केस को पुलिस ने एक्सपंज कर दिया है, यानी कि सभी मुकदमों को खत्म कर दिया है। और साथ ही SSP हेमंत कुटियाल का कहना है कि विवेचना में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर केस को खत्म किया गया है, और ओबीसी साहब की तीखी प्रतिक्रिया के कारण हुआ है, क्योंकि अब बेशक से मुरादाबाद पुलिस और उच्च अधिकारियों के सोर मामले को लेकर बदले हुए हैं। लेकिन उस समय मुरादाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि समाज में घृणा और वैमनस्यता बढ़ाने के मकसद से ये नमाज पढ़ी गई थी, और इसीलिए हमने मामले की जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन जैसे ही ओबीसी साहब ने मुरादाबाद पुलिस के साथ साथ PM मोदी से भी इस मामले में सवाल पूछना शुरू किए, तो आला अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उन्होंने तुरंत केस को खत्म कर दिया। और देखते ही देखते अधिकारी अपने बयान से भी पीछे हटने लगे, और ओबीसी साहब के कारण उन्होंने पूरे मामले को ही झूठा करार दे दिया। वहीं अब मामले पर SP का बयान भी सामने आया है, जो आपको सुनना चाहिए। जरा आप ये वीडियो देखिए और सुनिए ओबीसी साहब की फटकार के बाद SP ने क्या बयान दिया है। नमाज को लेकर शिकायत करे इस लोगों की, और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में CO साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं, और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ओबीसी साहब ने मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और मुरादाबाद पुलिस को आड़े हाथों लिया था, और असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए PM मोदी तक को टैग करते हुए लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज कहीं पर भी अदा की जा सकती है, ऐसे में घर पर नमाज पढ़ने पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, ये अन्याय है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में PM मोदी को टैग करते हुए उनसे सवाल किया था, पूछा, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि क्या अब मुसलमान अपने घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल मामला जिला छजलेट इलाके के दुल्हपुर गांव का है, जहां कुछ हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि गांव में नई परंपरा शुरू करते हुए वाहिद और मुस्तकीम अपने मकानों पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा रहे हैं, और इसी नई परंपरा को शुरू करने को लेकर हिंदू समाज के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और एक साथ नमाज अदा करने की इस परंपरा का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहे MIM न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।